फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये अपना पहला न्यूमेरिकल्स है, ये है अपना फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ऐसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है जिसकी एनर्जी कितनी है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी कितनी है उसकी, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू क्या है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है, 1.6 इंटू 10^-19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 जूल होता है। तो E बराबर आपका हो जाएगा 75 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फार्मूला होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, एच इंटू एफ होता है या फिर एस सी अपॉन लेमडा होता है। सी अपॉन लेमडा को हम एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एच इंटू एफ। अब एनर्जी, अब आपको ये भी पता है कि जो एच होता है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.66 इंटू 10^-34 जूल सेकंड होती है। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपके बुक में सबसे ऊपर दी रहेंगी, ये दी हुई है। देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, एच इक्वल टू 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकंड दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड दी हुई है। बोर्ड क्वेश्चन पेपर में वैल्यू पेपर के लास्ट में दी जाती है, जिन वैल्यू को हमें यूज कर जरूरत पड़ती है या जिन वैल्यू का क्वेश्चंस में यूज होता है उनकी वैल्यू हमें कहाँ दी जाती हैं, लास्ट में दी जाती हैं। तो ये एच की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 3 × 10^8। तो इस फार्मूले में इक्वल टू एच एफ वाले फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो ई की जगह हम क्या लिखेंगे, 75 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। एच की जगह हम क्या लिखेंगे, 6.6 इंटू 10^-34। और एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा जिसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 अपॉन 6.66 इंटू 10^-34। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। अब हम इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज करके फ्रिक्वेंसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अपनी जो देखो इसको कैसे करेंगे वो भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखो इसको यहाँ पर -19 है, यहाँ पर प्लस -34 है। जब -34 न्यूमरेटर में जाएगा ये पूरा 10^-34, तो ये इस तरह से हो जाएगा 75 इंटू 1.6 10^-19 प्लस 34 अपॉन 6.6। अब इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे इतने पोर्शन को सोल्व, 75 इंटू 1.6 अपॉन 6.6 को, और ये 34 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो एफ हो जाएगा आपका 75 इंटू 16 अपॉन 66 इंटू 10^15 हर्ट्ज़। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आई आपकी कितनी आई, इसको सॉल्व करेंगे देखो हम इस तरह से कैलकुलेटर से, 75 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 66, तो ये आएगा आपका 1.18 इंटू 10^15 हर्ट्ज़ आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10^16
हाइट्स। तो क्या है आपका आंसर हो गया। ओके ओके नाउ सेकंड, सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ बीम ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इज 1.0 × 10^15 हाइट्स। अल्ट्रा वायलेट लाइट की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 1.0 × 10^15 हाइट्स। व्हाट इज द एनर्जी इन वन क्वांटम ऑफ दिस लाइट एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें किसमें एक्सप्रेस करना है उस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है। तो सीधी बात है, हमें लाइट की एनर्जी निकालना है और हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हम फिर से उसी फार्मूले का यूज करेंगे। अपना जो फार्मूला था, ये अपना फार्मूला था, सेकंड न्यूमेरिकल है इक्वल टू एच एफ का हम यूज करेंगे। हमें एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, हमें एफ दिया हुआ है 1.0 × 10^15 हाइट्स। और एच की वैल्यू हमें बुक में दी हुई है, एच की वैल्यू ये दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है देखो 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड दी हुई है। तो एच की वैल्यू है 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड, क्लियर, ये दी हुई है हमें। ओके अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इक्वल टू एच एफ का, तो एच की वैल्यू रखी 6.6 × 10^-34, एफ की वैल्यू 1.0 × 10^15 रखी। तो अब हमें ई किसमें चाहिए, हमें ई ये किसमें आया है, ये अभी जूल में आया है, हमें किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए है। तो हम अभी निकालते हैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 6.6 हो जाएगा इंटू 10^-34 है, तो −34 + 15 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, उसी बेस पे ऐड हो जाती हैं यदि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इक्वल टू हो गया 6.6 × 10^-19 जूल। अब जब कभी भी हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम उसे किससे डिवाइड करते हैं, 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करते हैं। तो 6.6 × 10^-19 अपॉन 1.6 × 10^-19 जूल, इससे कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 66/16 आ गई, किसमें आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 33/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड करने पर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया, अपना आंसर आ गया। ओके ओके नाउ थर्ड, थर्ड में दिया हुआ है अ सर्टेन स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम, कोई स्पेक्ट्रम है उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन एसोसिएटेड विद इट, इसमें भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी। ओके देखो तो थर्ड न्यूमेरिकल है, इस थर्ड न्यूमेरिकल्स में हमें लैम्डा दिया हुआ है, मतलब वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, फ्रिक्वेंसी पूछा है उसने और एनर्जी पूछा है। तो हम सबसे पहले एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, ई का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा का यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा का यूज करेंगे। एच की वैल्यू 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड होगी, सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो इक्वल टू 6.6 × 10^-34 × 3 × 10^8 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 10^-10 से क्या करेंगे, इनटू करेंगे। यहाँ पर इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, 4000 × 10^10
से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर। हम इसको सबसे पहले हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस टेन पावर है, यहाँ पर फोर जीरो इधर भी है, तो इसको हम देखो इस तरह से लिख लें, सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू थ्री अपॉन फोर, ये थ्री जीरो हम इसको दे दें तो टेन रेज टू पावर माइनस सेवन बचेगा, तो ये हो जाएगा टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर प्लस एट। अब जी टेन रेज टू पावर माइनस सेवन डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस सेवन हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा जी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब इक्वल टू इसको हम इससे डिवाइड कर लें तो थ्री पॉइंट थ्री इंटू थ्री अपॉन टू आ गया। ओके, इंटू टेन रेज टू पावर, अब माइनस थर्टी फोर है प्लस फिफ्टीन है तो कितना बचेगा, माइनस नाइनटीन जूल बचेगा। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका थ्री पॉइंट थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल आ गया। कितना आ गया, टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल आ गया। तो दिस इज फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल, ये क्या हो गया अपना एनर्जी आ गया, किस में आ गया एनर्जी, जूल में आ गया। उसने एनर्जी पूछा है और साथ में पूछा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बताइए। ओके, क्या बताइएगा, फ्रिक्वेंसी बताइएगा। ओके, तो हम फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो फ्रिक्वेंसी आपको यदि फाइंड आउट करना है तो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे इक्वल टू एच एफ का, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी का। हमें ई मिल गया, एच दिया हुआ है, एफ निकाल सकते हैं, या हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा होता है। सी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो हम इससे फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट है, और लेमडा की वैल्यू दी हुई है फोर थाउजेंड इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन दी हुई है। तो देखो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, थ्री जीरो इसको दिए तो माइनस सेवन हो जाएगा, तो टेन रेज टू पावर एट प्लस सेवन, तो ये हो जाएगा अपना जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेज टू पावर फिफ्टीन, हाइट्स क्या आ जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके नाउ देखो क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, द एनर्जी ऑफ सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम फोटोन इज थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोर थाउजेंड एंगस्ट्रॉम फोटोन, इसको हम फाइंड आउट करें। देखो हमें पता है जो एनर्जी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, क्या होती है, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन, ऐसा लिख सकते हैं, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम। अब सपोज करो हम इसको ई वन ले लें, तो ई वन हमें कितना दिया हुआ है, थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू कितना दिया हुआ है, थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जूल दिया हुआ है, और लैम्डा वन कितना दिया हुआ है हमें, सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और लैम्डा टू हमें कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। लैम्डा टू कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को हम पुट करके E2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो E1 की जगह हमने लिखा 3.0 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन, E2 हमें निकालना है, लैम्डा 1 की जगह हमने लिखा 6000, लैम्डा 2 आएगा ऊपर तो 4000 और ये 6000 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, तो E2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना, E2 इक्वल टू हो जाएगा, देखो E2 इस तरफ जाएगा, 6 इधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 6 इंटू 3.0 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन अपॉन 4। ओके, तो
ओके 3.30 है, 3.3 है ये, एनर्जी कितना है 3.3 दिया हुआ है। ओके अंडरस्टूड। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर कैसे मिल जाएगा, जूल में मिल जाएगा। सिंपलीफाई करते हैं, इसको 2 से कैंसिल करें तो ये 3 आ जाएगा। ओके तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 9.9/2×10^-19 जूल। क्लियर। तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 5×10^-2 जूल के इक्वल अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। इसमें 4.95 आ रहा है तो हम इसको एक्चुअल डिवाइड करके 4.95 ही लिखेंगे। ओके अंडरस्टूड। क्लियर। तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव को समझाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ 40 वॉट गिविंग आउट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके सोर्स का पावर कितना है, 40 वॉट है। इसका मीनिंग है कि वह 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी को क्या करती है, इमिट करती है। 40 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, और वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है, 5000 दिया हुआ है। तो चलो हम इसको करते हैं, ठीक ना। देखो हमें पावर दिया हुआ है 40 वाट। पावर से हमें ई मिल जाएगा, 40 वाट का मीनिंग होता है कि 40 जूल पर सेकंड, जो एनर्जी है वह 40 जूल पर सेकंड है। लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है लैम्डा। तो उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू एन एस सी अपॉन लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू एन एस सी अपॉन लैम्डा। ओके अब ई आपको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, एन आपको पता नहीं है। ओके एन आपको पता नहीं है। अब एच आपको पता है, एच कितना होता है, 6.6×10^-34 जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा या क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिया रहता है आईएससी बोर्ड में। ओके C3×10^8 अपॉन लैम्डा ले लें हम, तो लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-10 हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करके एन की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके अंडरस्टूड। तो देखो 40 इक्वल टू एन, पहले हम पावर से निपटते हैं, ये 6.6×3/5 लिख लो इसको। अब पावर देखो ये 30 हैं तो 10^-7 बचेगा, तो 10^-34+8+7 हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अब इसको 40×5 इक्वल टू हो जाएगा n×6.6×3×10^8 ये कितना है भैया, 34 है, 15 है, तो कितना बचेगा, 10^-19 बचेगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका, n इक्वल टू क्या होगा, 40×5/6.6×3×10^19 होगा। ओके तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 40×5×10^19/6.6×3। अब हम कैलकुलेटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर छोड़ देंगे। कैलकुलेटर यदि आपके पास नहीं है तो आईएससी बोर्ड में हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर क्या है, अलाउ है। तो हम कैलकुलेटर का यूज करके इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे 40, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 40 लिया हमने, ठीक ना।
ये 40 ले लिया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6.6 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया 10.10 आ गया। कितना आ गया 10.10, ठीक ना। तो अपना आंसर हो जाएगा 10.1 इंटू 10^-19। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10^20। क्या लिख सकते हैं 1 × 10^20। तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नाउ 6, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन अ सेंसिटिव सरफेस। इफ द सरफेस हैज रिसीव 10^-7 जूल एनर्जी, हाउ मैनी प्रोटॉन हैव फॉलन ऑन द सरफेस, ओके। तो देखो यहाँ पर हमें लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 6 कुछ नंबर का क्वेश्चन है ये। हमें लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम और ई कितना दिया हुआ है हमें 10^-7 जूल। अब उसने आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए कितने फॉल होंगे, तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे E=nSc/λ। इस वाले फार्मूले का यूज होगा E=nSc/λ, ठीक है, ओके। तो इसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 10^-7, कितना दिया हुआ है 10^-7 दिया हुआ है। एन हमें फाइंड आउट करना है, एच 6.6 इंटू 10^-34 इंटू C3 इंटू 10^8, एमडा 5000 इंटू 10^-10 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलो फाइंड आउट करते हैं, तो एन कितना हो जाएगा, देखो एन होगा 10^-7 इंटू 5000 इंटू 10^-10 और ये कहाँ पर आएंगे, अपॉन में आएंगे, अपॉन में आएंगे, तो 6.6 इंटू 10^-34 इंटू 3 इंटू 10^8। अब देखो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ये 5 अलग कर लीजिएगा, 6.6 इंटू 3 अलग कर लिया। अब पावर से देखते हैं हम, देखो ये 30 है तो ये 10^-7 बचेगा, 10^-7 10^-7 10^-14 हो जाएगा, ये प्लस 34 होगा और ये माइनस 8 होगा, प्लस 34 माइनस 8, तो ये हो गया आपका। अब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा आपका 5/6.6 इंटू 3 इंटू ये 34 में से ये 10^12 बचेगा, कितना बचेगा 10^12। देखो 34 में से माइनस 14 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। अब देखो इसको हम ऐसा लिख लें 50/6.6 इंटू 3 इंटू 10^11। अब इसको हम डिवाइड कर लें, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करके 50 ओके डिवाइडेड बाय 6.6 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया 2.52 आ गया। तो अपना आंसर हो जाएगा 2.52, दिस इज अवर आंसर 2.52 इंटू 10^11 ओके। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25.2 इंटू 10^10, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 5.0 इंटू 10^-5 cm हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इक्वल टू 2.0 इंटू 10^12 cm।
देखो हमें इस लैम्डा वन के द्वारा कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे, यदि उसकी एनर्जी इस लैम्डा टू के इक्वल है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम पहले इसकी एनर्जी को निकालेंगे। लैम्डा टू 2.0 × 10⁻¹² सेंटीमीटर, इसकी एनर्जी क्या होगी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो हम लिखते हैं लैम्डा वन कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 7 है, ये इस 7 लिखा हमने। ओके, लैम्डा वन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लैम्डा वन, 5.0 × 10⁻¹ सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लैम्डा वन हमें दिया हुआ है। ओके, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, किसमें कन्वर्ट कर लें, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 5.0 × 10⁻⁵ × 10⁻²  मीटर। जब कभी भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर हटा के 10⁻²  से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻²। तो हमने क्या किया, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻²  से इंटू करके। अब देखो लैम्डा टू कितना दिया हुआ है, लैम्डा टू आपको दिया हुआ है 2.0 × 10⁻²  सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.0 × 10⁻²  × 10⁻²  मीटर। अब एनर्जी ऑफ लैम्डा टू वेवलेंथ हम लिखेंगे, एनर्जी एनर्जी ऑफ लैम्डा टू फोटोन, तो E बराबर क्या होता है, आपको पता है SC/λ होता है, E बराबर SC/λ होता है। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻¹³ रखेंगे, C की वैल्यू 3 × 10⁻¹² होगी, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 2.0 × 10⁻¹⁴ दी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब उसने बोला है कि इस वाले जो लैम्डा वन वेवलेंथ वाला जो लाइट है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो इसके बराबर है, तो बताओ वो कितने फोटोन को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। तो हम लिख लें लेट लैम्डा वन लाइट इजेक्ट एन फोटोन, कितने फोटोन को इलेक्ट कर रहा है, एन फोटोन है, कंटेन एन फोटोन। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, इसको मान लो अपन, देखो SC/λ2 इक्वल टू हो जाएगा NSC/λ1, ठीक ना, SC/λ2 इक्वल टू NSC/λ2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो हम चाहें तो यहाँ पर SC से SC को काट सक कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आना है, तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम उसे, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू N। तो देखो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन आपको कितना क्या दिया हुआ है, 5.0 × 10⁻¹ दिया हुआ है, इसे सेंटीमीटर में ही लिखा हमने, और लैम्डा टू कितना दिया हुआ है, 2.0 × 10⁻¹². इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अपना आंसर आ जाएगा एन इक्वल टू क्या होगा, 5/2 × 10⁻¹ 12, तो दिस इज 2.5 × 10⁻¹⁷। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो इजेक्ट करेगा 2.5 × 10⁻¹⁷ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो हमें एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर SC से SC क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ओके, तो SC/λ2 इक्वल टू NSC/λ1 करके हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसने इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है
कि इन विच पार्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू फॉल। लैम्डा वन और लैम्डा टू का किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल होगा? तो भाई इसके लिए हमें वेवलेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, वेवलेंथ आपको दी हुई है पहले से, तो उसको हम फाइंड आउट किए लेते हैं। ओके, देखो इस वेवलेंथ को लैम्डा वन कहाँ दिया हुआ है आपका, लैम्डा वन ये दिया हुआ है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा वन को जब हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 10^-10 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5.0 × 10^-7 अपॉन 10^-10। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 5.0 × 10^3 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब 5000 एंगस्ट्रॉम किस में आता है? विजिबल लाइट में आता है। किस में आता है? विजिबल लाइट। तो लैम्डा वन का क्या हो जाएगा? विजिबल लाइट होगा। क्या होगा? विजिबल लाइट में आएगा ये, ठीक ना। इसी तरह हम लैम्डा टू का फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा टू हमें कितना दिया हुआ है? लैम्डा टू ये दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है? हाँ, ये दिया हुआ है लैम्डा टू। तो इसे हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा टू कितना आएगा अपना? 2.0 × 10^-14 अपॉन 10^-10। तो दिस इज 2.0 × 10^-4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये किस में आएगा? ये आएगा अपना गामा रेडिएशन में। किस में आएगा? गामा रेडिएशन में, ठीक ना। तो इस तरह से हमने सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 क्या बोल रहा है आपसे? 5% एनर्जी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू लाइट ऑफ वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम इफ द पावर ऑफ द सोर्स बी 100 वॉट, देन हाउ मैनी फोटोन ऑफ लाइट विल बी इमिटेड बाय इट पर सेकेंड। देखो 100 वाट सोर्स का पावर है, बट 5% एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट में। कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है? 5% एनर्जी। तो यहां पर जो अपना ई होगा, ई कितना होगा यहां पर? ई होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, ई होगा आपका 5% ऑफ 100 जूल। 5% ऑफ 100 जूल होगा, तो ई हो जाएगा 5/100 × 100 = 5 जूल। ई क्या होगा? 5 जूल होगा। ओके, 100 वाट का मीनिंग क्या है कि 100 जूल एनर्जी पर सेकंड। ओके, तो ये आ गया आपका ई, आ गया 5 जूल पर सेकंड में एनर्जी क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। ओके, अब देखो आपको वेवलेंथ कितना दिया हुआ है लाइट का? 5600 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो हो जाएगा आपका 5600 × 10^-10 मीटर। अब यही फार्मूले का यूज करेंगे जिसका हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। देखो ये वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे, इक्वल टू एन एस सी अपॉन लैम्डा। इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ फोटोन को हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हम करते हैं, ई है 5, एन एच 6.6 × 10^-34, सी 3 × 10^8 अपॉन लैम्डा 5600 × 10^-10। 5600 × 10^-10, ठीक है। तो 5 = n × 6.6 × 3/56 × 10^-34 + 8, ये 2 जीरो इसमें जाएंगे तो -8 होगा, 10^-8 तो ये +8 हो गया। ओके, क्लियर। अब देखो
जिससे जब एन को हम फाइंड आउट कर लें तो एन देखो 56 इस तरफ जाएगा, ये इसके नीचे आएंगे, ओके। तो ये 5 × 56 अपॉन 6.6 इंटू 3 इक्वल टू एन इंटू 10^8 + 8 = 16 हो जाएगा। 34 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, ये माइनस का 18 बचेगा, ओके। तो एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू होगा 5 × 56 / 6.6 × 3 × 10^18। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, सिंप्लीफाई होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 5 × 56 कर लें पहले, तो 5 × 56 डिवाइडेड बाय 6.6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ रहा है, 14.14 आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे ऐसा, दिस इज 14.14 × 10^18 या 1.414 × 10^19, ओके, अंडरस्टूड। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे।